गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। जैसे आपने देखा इससे पहले हम नोएडा गए थे सुबह ट्रेनिंग करने के लिए, एंड आई डोंट नो अगर आप ये देख सकते हो, ये शिफू के मेरे ऊपर टैटूज इम्प्रिंट हो रखे हैं जो पाक्सा वो करते हैं विंग चुन का। तो अभी 1:30 हो रहे हैं और हमें रघु को पिकअप करना है अभी पास वाला जो मेट्रो स्टेशन है। और रघु बढ़िया भैया, आप कैसे हो? तो ये है रघु जिसके बारे में अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले। बता चुके हो पिछले ब्लॉग में? नहीं, मैंने अभी ढंग से बताया। अच्छा, वो अभी एडिट हो रहा लगता है। हाँ। मैंने खुद नहीं देखा है वो। हाँ। तो मैं भूल गया था, मैं बता चुका हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो रघु आते हैं भाई ऑल द वे फ्रॉम जनकपुरी। तो फर्क है दोनों में। तो ही इज गोइंग टू बी हेल्पिंग अस शूट, एंड जो भी आप लास्ट के 2-3 व्लॉग्स देखें वो भाई ने एडिट करे, तो एक लाइक बनता है उसके लिए। एंड यू कैन फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एट कैचमेक्लिकी। हाँ, ओके। तो गाइज अभी लंच टाइम हो गया है, एंड उसके लिए हम अपना जो यूजुअल आजकल का मेरा लंच है वो दैट इज़ प्रोटीन ओट्स, 80 ग्राम मैं डालने वाला हूँ एंड 180 ml दूध। उसके बाद हम खाने वाले हैं 3 या 4 बॉयल्ड एग, वो थोड़ा और एडिशनल प्रोटीन और फैट्स हो जाएगा हमारे दिन के लिए। एनीवे जैसे मेरी अभी क्या टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं लगभग ऐसा कुछ। मेरी इसी टाइम तक यू कैन से 2600 कैलोरीज पूरी हो चुकी हैं। तो अच्छा खासा हमारा अभी इंटेक चल रहा है। मेरे को लग रहा था कि यार मैं इतना नहीं खा रहा हूँ, बिकॉज मेरे सुबह का जो मील होता है बेसिकली जो ब्रेकफास्ट आलू पाटी एंड वो सब होती है बहुत हैवी होता है। तो आज मैंने ट्रैक किया, आज मैंने इनपुट किया एंड वो इट ऑल टोटल्ड अप टू अबाउट 1200 और समथिंग। तो भाई अच्छा खासा हमारा इंटेक चल रहा है। यहाँ कट कर देते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि यार मेरे को लग नहीं रहा था मैं इतना ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, इवन दो मतलब मैं थोड़ा इंस्टिंक्टिवली लाइक जो मेरी टाइमिंग्स हैं कि यार अच्छा चल मैंने इतने ओट्स खा लिए फिर इतनी ब्रेड खा ली, तो मेरे को पता है अभी मेरे को 1-2 घंटे तक भूख नहीं लगनी। लेकिन जब मैंने ट्रैक किया तो मेरे को एक्चुअली पता चला कि यार मैं कितने मैक्रोज मतलब कितने कार्ब्स कैलोरीज अंदर जा रहे थे एक्चुअली बॉडी के, एंड जो मेरी एक मिस जो एक ब्रिज था जो मेरे को लग रहा था यार मैं इतना नहीं खा रहा हूँ और एक्चुअली मैं जितना खा रहा हूँ, अब मेरे को पता चल गया है कि वो एक्चुअली क्या है। तो विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट ट्रैक वंस एन अ वाइल, नॉट एवरी सिंगल डे, बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है आप लोगों के लिए फिजिबल ना हो, बट इफ़ यू आर एन एलीट पावर लिफ्टर और अ बॉडी बिल्डर इट्स इम्पेरेटिव कि आप ट्रैक करो ताकि आपको सारे वेरिएबल सारे जो फैक्टर्स हैं आप उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको, ट्वीक कर सको वेन एवर नीडेड वेन एवर नेसेसरी। तो या ट्रैक वंस एन अ वाइल टू सी वेयर यू आर एट, टू सी हाउ मच यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग, टू नो कि अगर आपको अपना वेट कम करना है ज़्यादा करना है फिर लेट्स से यू आर ट्राइंग टू बिल्ड मसल ट्राइंग टू गो इनटू अ सरप्लस, तो आप आराम से वो सारी चीज़ें ट्वीक करके जा सको एंड यू नॉट बी लाइक यार मैं इतना खा रहा हूँ तब भी मेरी बॉडी बन रही है, फिर यार लगता है शायद मैं कम खा रहा हूँ, जबकि हो सकती है और ईटिंग द ऑप्टिमल अमाउंट। तो आजकल मैं बहुत आलसी हो गया हूँ ओट्स बनाने के मामले में, मैं कुछ नहीं करता, ये दूध लिया, ओट्स लिए, ये एक स्कूप प्रोटीन डालूंगा मैं इसके ऊपर, मिलाऊंगा और बस खा जाऊंगा। कुछ फालतू में कुछ झंझट नहीं करना मेरे को कि केला डालूं, चिया सीड्स डालूं, सिनेमन डालूं, डार्क चॉकलेट ग्रेट करके डालूं भी मैं, मतलब ठीक है मैंने वो प्रीच कर रखा है काफ़ी और खुद मैंने भी वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी हैं, बट आजकल ऐसा है यार अलग से खा लेता हूँ मैं, लाइक फ्रूट आई एम ईटिंग अलग से, तो इस वजह से भी मैं नहीं डाल रहा हूँ। बाकी ये है कि जल्दी से बने और खा जाऊँ और बस कैलरीज पूरी हो जाए हमारी बॉडी के लिए। तो इसके अंदर बस कुछ नहीं है, 4 इंग्रेडिएंट प्रोटीन ओट्स, दूध, ओट्स, प्रोटीन एंड पीनट बटर, दैट्स इट। तो हमारा लंच आप देख सकते हो पूरा, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है लेकिन अपना फीलिंग टेस्टी सब बढ़िया। इस मील के मैक्रोज हो गए हैं 606 कैलोरी, 54 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्ब्स और 17 ग्राम फैट, प्रीटी डिसेंट, क्योंकि इसके बाद हमें 3 पूरे अंडे खाने हैं, 4 लेग्स बॉयल ऑलरेडी करने रख दिए थे मैंने, तो 210 कैलोरी वो हो गई, लगभग 18 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम फैट एंड 3-4 ग्राम का। तो ये होने वाला है हमारा लंच, एंड इसके साथ मैं कंज्यूम करने वाला हूँ ये मसल ब्लेस का जो एक नई एडिशन है बायोजाइम रेंज में, दैट इज बायोजाइम क्लियर ओमेगा 3। दिस फिश ऑयल इज सोर्स्ड फ्रॉम गोल्डन ओमेगा इन चील दैट हैज सर्टिफिकेशंस फ्रॉम टॉप इंटरनेशनल बॉडीज IFOS, फ्रेंड्स ऑफ द सी एट्सेट्रा। ये इतना ट्रांसपेरेंट इसलिए है बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन वैल्यू 5 से कम है, इसका मतलब इसके अंदर कोई हैवी मेटल्स या इम्प्योरिटीज़ नहीं है। इसके एक सर्विंग में आपको मिलेगा 1250 mg फिश ऑयल, जिसमें से EPA है लगभग 500 mg एंड DHA 375 mg। इस प्रोडक्ट को चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक पर क्लिक करें, एंड अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एंड टू गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन चेकआउट यूज़ कोड SAIDMB। दिस ऑल्सो स्मेल्स लाइक मिल्की बार, ऐसे अगर पूरा आप स्मेल करोगे ऐसे मिल्की चॉकलेट टाइप से स्मेल आ रही है, पता नहीं क्यों मेरे को नहीं पता, बट बात करा रहा हूँ
अरे सही में उनके घर जाना है, बड़े लोग चाहे देंगे इसके अंदर, बड़े बड़े लोग। सही बोल रहा हूँ, बुरा मना नहीं कर रहा मैं, उसके प्राइस कितना लगाओगे सही से बता दो। ये चाहिए ना? हाँ ये चाहिए, ये ले आ तू तीन चार। भाई आप बताओ, आप अगर आप लगाते तो कौन सा लेते? ये वाला ना? चलो ठीक है। तो यार अभी थोड़ी देर पहले हम जिम आए एंड आज हमारा बैक सेशन है, स्टार्टिंग ऑफ डेडलिफ्ट्स एंड वर्टिकल जंप्स। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा जिसमें मैंने डाला था डेडलिफ्ट्स और बैक, तो अगेन लिफ्टिंग एट RP7, हमें 6 रेप मारने हैं। लेट्स सी हाउ मच वी लिफ्ट टुडे, बिकॉज के अगले हफ्ते मेरे को वायरल हो गया था तो इस वजह से काफ़ी वीक फील हुआ था मेरे को, इवन दो आई ट्राई टू पुश द सेम वेट लेकिन नहीं हो पाया। बट देखते हैं आज कैसे जाता है, होपफुली वी आर फीलिंग स्ट्रॉन्गर, एपेटाइट भी वापस आ गई अच्छा खासा, जैसे मेरा कैलोरी इनटेक है। तो होपफुली आज 135 फॉर 6 स्टेप्स हो जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में भी, एम्प्टी बारबेल्स है। फर्स्ट वार्म अप सेट अबाउट 10 से 12 रेप इजी। सेकंड सेट हमने किया 60 केजी से फॉर 10 रेप्स एंड देन थर्ड सेट हम करेंगे 100 से फॉर अगेन 5 रेप्स अबाउट एंड देन वन लास्ट सेट फॉर 130 दैट विल बी अबाउट फॉर 2 रेप्स। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज यू प्रोग्रेस थ्रू द वेट्स, जैसे जैसे धीरे धीरे आपका ये बार में वेट बढ़ता है इन योर वार्म अप सेट्स, दैट इज़ ब्रेसिंग योर कोर। बिकॉज स्टार्टिंग में जब वेट इतना कम होता है आपको इतना फ़र्क नहीं पता चलता, इवन दो योर क्या सफिशियंट स्ट्रेंथ की आप अपने ग्लूट से आप अपने बैक से पुल कर सको, से यूज करके पुल कर सको, बट जस्ट मेकिंग श्योर दैट आप उन एम्प्टी बाबल सेट्स में भी ये 20-40 किलो ईच साइड में भी आप वो ब्रेसिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपके अगेन वो सबकॉन्शियसली धीरे धीरे व्हेनेवर यू आर जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर मेन लिफ्ट, तब जाके आपने ऐसे तब कर रहे हो। यहाँ पे भी इवन दो चाहे ये लिफ्ट है 100 kg, इट्स वेरी यू कैन से डिसेंटली लाइट फॉर मी, यहाँ पे भी आई ब्रेस, इवन दो मैं एग्जैजरेटेड ऐसे पैटर्न नहीं कर रहा, ये जरूरत नहीं है। द गोल इज़ नॉट टू अपनी चेस्ट में हम ऐसे हवा भर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, द गोल इज़ इंट्रा एबडोमिनल, हमारे कोर में 360 डिग्री वी आर ट्राइंग टू जस्ट एक्सपांड, जस्ट ट्राइंग टू एंगेज एंड ब्रेस आर कोर। तो अगर ये मैंने ऐसे हाथ रख रखा है, मेरे को फील होना चाहिए दैट इधर हर जगह ऐसे इन्फ्लेट हो रहा है, तो ये देखो अपने आप ये पुश हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है धीरे धीरे, दैट विल क्रिएट योर इंट्रा एबडोमिनल प्रेशर एंड देन व्हेन यू कंबाइन इट एक बेल्ट के साथ, देन यू विल गेट सच अ स्ट्रॉन्ग, सच अ कनेक्टेड फीलिंग, क्योंकि आपके सारे वो लिंक्स ऑन पॉइंट रहेंगे एंड देन जब आप लिफ्ट करोगे यू विल फील वन विद द बार। फॉर एग्जाम्पल आई ब्रेस, मैं टच एंड गो ये नहीं करूँगा बिकॉज बीच बीच में आई फील कि जैसे ये थर्ड रेप के बाद या सेकेंड रेप के बाद मेरा ब्रेसिंग हिल गया था, मतलब नॉट ऑन पॉइंट था, मे बी आई जस्ट लेट लूज, तो आई रीसेट वेट नीचे बॉटम पोजिशन में बिकॉज हम टच एंड गो डेडलिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगेन आई ब्रेस, लिफ्ट, ड्रॉप, अब मेरे को लग रहा है अगर लूज हो गया देन अगेन आई रीसेट, कम बैक इन टू माई लिफ्टिंग पोजिशन एंड लिफ्ट ऑफ। अगर आपकी पोजिशन हिली हुई है मेक श्योर टू रीसेट, तो चाहे वो आपकी कोर ब्रेसिंग हो या फिर आपके लैट्स प्रॉपरली एंगेज नहीं है या फिर आपका वेट ज़्यादा आगे फॉरवर्ड स्विच हो रखा है, आपके नीज ज़्यादा आगे जा रहे हैं या फिर एनी अदर थिंग दैट यू फील कि वो ऑन पॉइंट नहीं है, यू शुड बिल्ड इनफ अवेयरनेस ताकि आप इन पैटर्न्स को, इन चीज़ों को रिकग्नाइज कर सको। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लिफ्टिंग आउट देयर पहले रेप पे वो प्रॉपरली हर चीज़ एंगेज करते हैं, दे टेक द स्लैक आउट ऑफ द बार, दे ब्रेस देयर कोर, एवरीथिंग, बट राइट आफ्टर दैट फर्स्ट रेप सेकेंड रेप एवरीथिंग गोज आउट ऑफ वैक, बिकॉज द मोमेंट दैट फर्स्ट रेप ऑन द इसेंट्रिक या सेकेंड रेप दैट बार हिट्स द ग्राउंड, सब एकदम रिकॉइल होके सारी जो आपकी वो चीज़ें होती हैं जो ऑन पॉइंट होने चाहिए सब हिल जाती हैं एंड उसके बाद बस वो खींचते रहते हैं, वो बस चलता रहता है पूरा सेट। सो मेक श्योर दैट यू आर अवेयर, बिल्ड एन ऑफ अवेयरनेस ताकि आप उन चीज़ों पे वापस रेक्टिफाई कर सको, आप ध्यान दे सको एंड वापस रैप टू रैप यू आर एबल टू बिल्ड अ सॉलिड टेक्निक, कंसिस्टेंट टेक्निक थ्रू आउट द सेट। चल गया, पिछले 2-3 हफ्ते से डेडलिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं लैट्स एंगेज करके ऐसे काफ़ी क्लोज रखता हूँ अपने शिन से, जैसे मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट हर हफ्ते का जो डेडलिफ्ट सेशन होता है ऐसे स्कार्स वापस धीरे धीरे स्क्रेप होके बिल्ड हो जा रहे हैं, ये हर हफ्ते छिलता है
ठीक होता है ये देखो, हर हफ्ते छिलता है, ठीक होता है वापस, बाय द टाइम ये ठीक होता है नेक्स्ट वीक फिर से डेड लिफ्ट हो जाता है, फिर से स्क्रेप आउट होता रहता है। तो ऐसे मेरे काफ़ी ओवर द ईयर्स स्कार्स पड़े हैं, बट दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर द डेड लिफ्ट। मैं बॉक्स जंप्स करता था तो कभी कभी होता था एक घुटना ऊपर पहुँच गया और एक पैर नहीं पहुँचा, जैसे अगर इफ आई एम ट्राइंग 4 या 5 feet जंप तो एक पैर पहुँचे दूसरा रगड़ता था इससे तो छिल जाता था वो काफ़ी। थोड़ा जैसे टायर्स वगैरह पे जैसे शिन कंडीशनिंग के लिए मार्शल आर्ट्स में करते थे कि एक तो धीरे धीरे ऐसे ओवर टाइम डेवलप हो गया है वो। एंड या आई मीन ये अलग हम करते हैं, वियर्डली सिर्फ लेफ्ट पे राइट पे नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस विद डेड लिफ्ट एंड शिन स्कार। जब भी मैं अपने मेन वर्किंग सेट के लिए जाता हूँ तो उससे जो पहले वाले वॉर्म सेट्स होते हैं आपने देखा मैं बेल्ट लेस मारता हूँ, दैट इज़ टू जस्ट अगेन प्रैक्टिसिंग दैट कोर ब्रेसिंग कोर एंगेजमेंट, ताकि आई डोंट डिपेंड कि हाँ ठीक है मैंने बेल्ट पहन लिया, थोड़ा सा भी मैंने ब्रेस कर लिया आई फील दैट टाइटनेस, आई फील कि हाँ ठीक है मेरे को वो स्ट्रक्चर ऐसे सॉलिड फील हो रहा है। सो दैट इज़ वाई मैं अभी जो लीडिंग अप टू द मेन वर्किंग सेट है उसमें मैं बेल्ट लेस मारता हूँ, तो जाके जब मैं ये बेल्ट के साथ करता हूँ आई फील माई स्ट्रक्चर इज़ इवन स्ट्रॉगर, बहुत स्टेबल फील होता है एंड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। सो दैट इज़ वॉट आई हैव बिन डूइंग स्क्वाट्स के हो गए सेट्स या फिर डेडलिफ्ट के हो गए, एंड ये तब भी करता था जब मैं लेट्स जस्ट से आई यूज़ टू सूमो 200-180 फॉर रेप्स, तब भी मैं 170-180 तक मैं बेल्ट लेस करता था एंड देन मेन वर्किंग सेट में बेल्ट लगाई एंड मारे अपने। एंड मैं हुक ग्रिप करता हूँ विच इज़ डिफरेंट, क्योंकि 2019-2020 में मेरा एक क्रॉसफिट वाला पीरियड था जहाँ पे क्लीन एंड प्रेस स्नैच वगैरह मैं ट्राई करता था करने का। हुक ग्रिप इज़ बेसिकली जैसे ये होती है मिक्स ग्रिप, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोनेटेड ग्रिप। हुक ग्रिप में आप ऐसे ही पकड़ते हो, प्रोनेटेड ही होता है, बट आपको दिखाने के लिए इट्स ऐसे थंब रैप करके एंड दिस। सो ये मोस्टली ओलंपिक लिफ्टर यूज़ करते हैं बिकॉज इससे आपका वो छूटता नहीं है जो इस ग्रिप में नॉर्मल प्रोनेटेड में यहाँ तक आ जाता है। सो इट बेसिकली लॉक्स इट आउट एंड काफ़ी थंब पे प्रेशर आता है, बट इवेंचुअली गेट यूज टू इट। एंड मेरे को ऑनेस्टली इतना टाइम हो गया, मैंने अपना चाहे PR मारा था 240 kg का सूमो पे, वो भी मैंने इसी के साथ मारा था एंड मेरी जान निकल गई थी, खून पूरा ऐसे पिचक गया था, बट हाँ हुक ग्रिप से मैं कस्टम हो चुका हूँ लेकिन ठीक है। दैट वॉज वर्किंग सेट 1, फेल्ट ईजियर, 130 था फॉर 6 reps। आई फेल्ट नॉट जस्ट कि मतलब ज़्यादा रेप्स ऑब्वियसली आ जाते थे बिकॉज RP 7 पे हम कर रहे हैं, बट ऑल्सो जो स्पीड है जो फोर्स जिससे उठ रहा है वो भी काफ़ी इम्प्रूवड है कम्पेयर टू आर लास्ट वीक, और आई विल से लास्ट टू लास्ट वीक बिकॉज तब हमने ज़्यादा पुश नहीं किया था। लास्ट टू लास्ट जो फर्स्ट वीक था ब्लॉक का, देन आई थिंक आई डिड 130-135, उससे कंपेरेटिवली स्पीड ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, आई फील अलॉट स्मूदर अलॉट स्टेबल। तो इसके 2 और सेट कर लेंगे एंड आई थिंक हम वेट सेम रखेंगे। डकार आ रही है मेरे को, काफ़ी जल्दी पी लिया मैंने जमाने से पहले, थोड़ा गैप देना चाहिए था। और रोट्स का भी डाइजेस्ट आई डोंट थिंक ठीक से हुआ है, वो बहुत आ रही है धीरे धीरे। तो गाइस डेडलिफ्ट स्क्वाट बेंच कुछ भी करो अपने वेट वापस ज़रूर रखो, बिकॉज रीरैकिंग योर वेट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डजंट मैटर इफ यू हिट अ PR अगर वेट रीरैक नहीं किया वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस वेटेड पुलअप्स जो हम करने वाले हैं, 3 sets 6 reps। हम 20 किलो से करते आ रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से, आज विल डू द फर्स्ट सेट विथ 20 एंड लेट्स सी कैसे जाता है, उस बेसिस पे देन विल ट्राई 25 या 30 पे पुश करने का। लेट्स सी आपको ये मार्क, आई डोंट नो सही से दिख रहा है नहीं, बट ये शिफू के पाक्सा और टैटूज हैं। अभी मेरे को बाइसेप काफ़ी ज़्यादा सोर फील हो रहा था बिकॉज कल जो सुबह ट्रेनिंग थी उधर आधार वाज एक्चुअली टीचिंग मी कि एक नाइफ थ्रस्ट के बाद कैसे कहने उसमें एल्बो
पुश करके पूरा टाइम जाम करके, तो उधर मैंने टेंडन पे या फिर जॉइंट पे काफ़ी खींचा, बिकॉज इट वॉज फॉलोड अप बाय एन एल्बो ब्रेक, आर्म ब्रेक जो भी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ मेरे एक्चुअली थोड़ा स्ट्रेच फील हो रहा था। एंड आज शिफू ने ऐसे गिनंटिंग जो होता है बेसिकली बाइसेप डिस्ट्रक्शन, जो बंदा पंच करता है उसके यू जस्ट स्लैश या फिर बस नाइफ है या पेन है, शिफू ने सीधा बाइसेप पे गया। इधर बहुत सेंसिटिव है अभी, लाइक मैं टच कर रहा हूँ तो भी बहुत ऐसे सॉफ्ट सा फील हो रहा है, लाइक यहाँ पर अगर किसी ने पिंच किया मेरे को तो बहुत दर्द होने वाला है। तो मैं फ्लेक्स भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी ढंग से बाइसेप को, मतलब इतना ज़्यादा पेन भी नहीं है, बट आई वुड स्टिल से कि ये इन मूवमेंट्स में फील हो रहा है मेरे को। तो आई एम ट्राइंग टू पुल, लेकिन बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बिकॉज ये फोर आर्म और ये सब सोर भी है, पेन भी है थोड़ा सा, बट दैट इज़ नो एक्सक्यूज फॉर अस टू नॉट पुश इन अ ट्रेनिंग। तो मतलब मैं वेट नहीं बढ़ाऊंगा, आई एम नॉट दैट स्टूपिड कि यही मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मैं 25-30 बढ़ा दूँ। इसी वेट से मैं मारूँगा 2 और सेट, ट्राई करूँगा अपनी टेक्निक कंसिस्टेंट रहे जितना हो सके, मैं ड्राइव करूँ, अपनी बैक यूज़ करूँ, पूरा फील करके मारूँ जितने मेरे सेट्स हैं एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। ये हमारा सिंगल आर्म केबल पुल डाउन का लास्ट सेट, विच इज़ द थर्ड सेट, इट विल बी अ ड्रॉप सेट। तो थर्ड सेट में हमारा स्टार्टिंग ऑफ 6 reps ड्रॉप वेट 8 reps, ड्रॉप वेट 10 reps, एंड ये हमारा फर्स्ट राइट से करेंगे देन सीधा लेफ्ट से करेंगे। तो लेकिन ऑलरेडी हमने 2 ऐसे हैवी सेट्स करे हैं 8 reps के लिए, एंड ये वाले में और एक और प्लेट ऊपर जाएगी तो 6 reps के लिए बैंड बच जाती है इसमें, क्योंकि एक ही प्लेट ड्रॉप करके 2 प्लेट ड्रॉप करके भी वो 8 reps बहुत स्ट्रगल से आता है, एंड देन उस पर 10 मारने और विदाउट एनी ब्रेक मस्ट पंप।